वेलकम दोस्तों। तो आज जो है हम अपना डेली बेसिस पे जो हम लोग करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, तो आज जो है आज फिर से हम चार एंटोनिम्स यहाँ करेंगे, सॉरी सिनोनिम्स करेंगे, इंग्लिश का चार और हिंदी का भी चार। चलिए सबसे पहला हमारा इंग्लिश का स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा टेडियस है। टेडियस का मतलब समझते हैं? टेडियस का मतलब होता है उदास टाइप का, जैसे मतलब टेडी को ही समझ जाइए। टेडी जो होता है हमेशा एक जगह शांति से उदास बैठा रहता है, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, तो उसका हमारा सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डल। और देखिए एट्रोसिटी, एट्रोसिटी ये मैं आपको बस आपको ये ट्रिक दे रही हूँ कि कैसे आप इसको लर्न कर सकते हैं, इसका सिनोनिम्स। एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रूरता, तो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। अगर क्रूरता से रिलेटेड अगर वायलेंस ना आए, वायलेंस के अलावा अगर कोई चीज़ आता है अगर ऑप्शन में, तो आप लगा सकते हैं उसका एट्रोसिटी का। तो एट्रोसिटी का जो है आपका सिनोनिम्स वायलेंस होता है। और देखिए फोर्टी फाइव मतलब होते हैं मजबूत, स्ट्रांग। तो अगर स्ट्रांग आ जाए या फिर मजबूत से रिलेटेड और भी कोई ऑप्शन दिया हो तो उसको आप लगा सकते हैं, बट इसका जो है मैक्सिमम टाइम आंसर जो है स्ट्रेंथन होता है। चौथा है आपका इनकोर। इनकोर में आपका क्या लगा सकते हैं? एक्लेम लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपके चार जो है सिनोनिम्स थे वो भी इंग्लिश के। अब आते हैं हम पे हिंदी वाले पे, तो सॉरी फॉर डैट, थोड़ा इस साइड है। चलिए पांच यहाँ पे आपका है सिनोनिम्स, सॉरी पर्यायवाची। अब तो हिंदी में आ गए ना, तब पर्यायवाची बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है पांच पर्यायवाची करते हैं वृक्ष का। सबसे पहला हमारा वृक्ष, ये अक्सर पूछा जाता है, बात तो ये है ना एग्जाम में। तो वृक्ष का जो है आपका ध्रुम हो जाएगा और बिटप हो जाएगा, ये मेन दोनों है, इसको लर्न करना जरूरी है। कमल का जो है आपका सरसिज हो जाएगा, सद्दल हो जाएगा, अंबुज हो जाएगा। आग का देख लीजिए, वायु सखा हो जाएगा, पावक हो जाएगा, अनल हो जाएगा, कृषाणु हो जाएगा, हताशन हो जाएगा। तलवार का देख लीजिए, चंद्रहास, कृपार, असी। और एक हमारा पांचवा है आश्रय का तात्पर्य। तो ये हमारे आज के पांच हिंदी के जो है पर्यायवाची थे और चार जो है वहाँ के इंग्लिश के सिनोनिम्स थे। तो आज का जो है हमारा खत्म हुआ। आज भी आप लर्न कर लीजिएगा, अगले दिन मिलते हैं। गुड बाय।